नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। यहां वो सेमिकॉन इंडिया के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे। बता दें कि आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने दो दिनों के प्रयागराज दौरे पर हैं, जिसमें आज वो फाफामऊ शांतिपुरम स्थित उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में मेधावियों को मेडल देंगे। शिमला के संजौली में विवादित मस्जिद को लेकर बीते एक सप्ताह से दो समुदायों के बीच चल रहा तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठनों ने एक बार फिर संजौली में कथित अवैध मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर आज एक उग्र प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 सितंबर को रात 11:11 पर शुरू होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर समाप्त होगी। ऐसे में आज राधा अष्टमी मनाई जाएगी। MG विंडसर EV भारत में आज लॉन्च होने जा रही है। ये भारत में MG की तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होने वाली है। इसे इंटरनेशनल मार्केट में वोलिंग क्लाउड EV के नाम से बेचा जाता है। इसमें पीछे वाली सीट रिक्लाइनिंग होने के साथ ही फ्यूचरिस्ट लुक मिलेगा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन डोंगरगढ़ आज मशाल रैली निकालेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम SDM डोंगरगढ़ को भाजपा की घोषणा पत्र का पालन कराने के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। रीवा में नगरीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं के खाली पदों के लिए आज मतदान होगा। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 और नगर परिषद सिरमौर के वार्ड क्रमांक 4 में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाना। जमशेदपुर में स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला समिति द्वारा आज शिकागो दिवस समारोह के अवसर पर जमशेदपुर में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के वक्ता शामिल होंगे, जो देश के विकास में युवाओं के योगदान पर चर्चा करेंगे। यूपी में मौसम एक बार फिर बदल गया है। यहाँ मॉनसून एक्टिव होने से राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में आज भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1906 में आज के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। साल 1961 में आज के दिन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना हुई। साल 1962 में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ प्रहलाद जोशी का जन्म हुआ था। साल 1973 में आज के दिन भारतीय गुरु नीम करौली बाबा का निधन हुआ था। साल 2005 में आज के दिन गाजापट्टी में 38 सालों से जारी सैन्य शासन समाप्त करने की घोषणा हुई थी। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।